नमस्ते, रूबी के किचन में आप लोग का स्वागत है। आज हम चने की घुगनी बनाएंगे। ये चना हम 5 घंटा पहले भिगो दिए थे। अब ये देखिए, मेरा अच्छे से चना फूल गया है और अब हम इसका घुगनी बनाएंगे। तो घुगनी के लिए हमने ये 2 प्याज हमने लिया था, हम उसको बारीक काटे हैं और लंबे लंबे पीसेस में हम काटे हैं। और ये हम लहसुन लिए थे, इसमें हम 5-6 लहसुन की कलियाँ लिए थे, उसको हमने बीच बीच से लंबे पीसेस में काट दिए हैं। और ये चार ठे हमने ये हरी मिर्च लिए हैं और ये लहसुन का पेस्ट है और ये हमने पिसा हुआ ये प्याज है और ये गरम मसाला है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम गैस पे कुकर चढ़ा ले रहे हैं और अब हम इसको बनाते हैं। देखिए, हम कुकर चढ़ा दिए हैं और हम गैस को चालू कर दिए हैं। अब इसमें हम ये तेज़पत्ता डालेंगे और ये हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। अब इसमें हम ये तेल ऐड कर देंगे। अब हम इसको पकने देंगे। अब देखिए, इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और इसमें हम लहसुन भी डालेंगे और अब इसमें जो हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब इसको हम चलाएंगे और हरी मिर्च। अब ये मेरा सब अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें हम जितने मसाले हैं सबको हम ऐड कर देंगे। ये हम लहसुन का पेस्ट है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये हम 1 चम्मच लिए थे लहसुन का पेस्ट और ये हम 2 प्याज पीस लिए थे, इसको हम इसमें डालेंगे। इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें हम ये 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच इसमें हम 1 चम्मच एक कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। और ये हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा भूजेंगे, भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें चना ऐड करेंगे। अदरक को अच्छे से इसको मैश किए हैं। अब इसमें हम ये डाल देंगे और हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट पकने के बाद इसमें हम चना ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम 2 मिनट तक इसको हम पका लेंगे, फिर हम चना इसमें ऐड कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ये चना जो हम पहले से धो लिए थे इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें मसाला ऐड किए थे लेकिन मेरा मसाला अभी भुजा नहीं है। अभी हम इसको और 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तब तक के लिए हम इसको ढकते रहेंगे।